हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृस्व चैनल। आज हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं, यानी बांझपन के क्या कारण होते हैं, महिला और पुरुष कितने ज़िम्मेदार हैं। तो स्टडी से ये पाया गया है कि 40% कमी महिलाओं में देखा गया है और 40% कमी पुरुषों में देखा गया है। 10% महिला और पुरुष दोनों में कमी देखी गई है और 10% के अज्ञात कारण से होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि महिलाओं में बांझपन के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि पैदाशी पचदानी या अंडाशय का ना होना या उसका कम विकसित होना। दूसरा कारण यह है कि अगर आपके पचदानी में रसौली है, गांठ है, फाइब्रॉयड है या आपको कभी टीबी हुआ है तो भी आपका बच्चे नहीं रुक सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि अगर आपका फिलोपियन ट्यूब जो अंडे लाता है वो आपका बंद हो। महिलाओं में बांझपन का अगला कारण यह है कि अगर अंडाशय में आपका अंडा अच्छे से विकसित ना हो रहा हो, अंडाशय में यदि गांठ है तो भी अंडा आपका विकसित नहीं होता है। तो आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि आपके अंडाशय में गांठ है या बच्चेदानी में गांठ तो नहीं है। या कभी भी आपको बचपन में बच्चेदानी या टीबी होना या अगर यूट्रस का कैंसर है तो भी आपका बांझपन हो सकता है। अगर आपकी इरेगुलर मेंसेस है, अनियमित महावारी होती है तो भी आपके बांझपन का कारण हो सकता है। आपके हार्मोन्स असंतुलन हो गए हैं, आपके जो अंडे बनते हैं उसके ए सेरम, एफएसएच, एलएच सब आपके असंतुलन हो गए हैं तो भी आपको जो है बच्चा रुकने में परेशानी होती है। ये बांझपन की जितनी सारी कमियां हैं वो अब ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो आप डॉक्टर से मिलकर अपनी खून की जांच कराएं, सेरम एफएसएच, एलएच, सेरम प्रोलैक्टिन, थायराइड, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आपकी कमी कहाँ है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल पर।